कराची तकसीम एक और जिले का इजाफा, तादाद 7 होगी। सिंध काबीना ने जिला के माड़ी बनाने की मंजूरी दे दी। जिला के माड़ी में साइट बलदियाती टाउन, हार्बर और माड़ीपुर शामिल होंगे। कराची के 6 इजला के नाम तब्दील करके अहम शख्सियात और तारीखी मुकामात से मंसूख करने की भी तजवीज़। सूबाई काबीना के इजलास में हैरपुर में भी नया जिला बनाने का फैसला। कराची में नया जिला कबूल नहीं, अपोजिशन का दो टोक ऐलान। MQM और PTI का अदालत जाने का ऐलान। वसीम अख्तर ने कहा, नए इजला बन सकते हैं तो नए सूबे क्यों नहीं। हुरम शेर जमान कहते हैं, कराची की तकसीम की मजम्मत करते हैं। हलीम आदल शेख बोले, कराची के टुकड़े करना सिंध दुश्मनी है। मुस्तफा कमाल ने कहा, पार्टी ने कराची को तोड़ने की कोशिश की, आज एहतजाज का ऐलान। फारूक सैतान ने भी एहतजाज की हिमायत कर दी। सुबह बनाने के लिए पास जमीन भी है, जमीर भी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा, सूबे के लिए किसी की जमीन नहीं चाहिए। पाकिस्तान भर में ज्यादा से ज्यादा सूबा बनने चाहिए। इजलास बढ़ सकते हैं तो लसानी बुनियादों पर सूबे क्यों नहीं। सिंध में बल्दियाती निज़ाम 29 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। सिंध हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने की मंजूरी दे दी। बल्दियाती एक्ट को मजीद मौसर करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी के सरबराह वजीर बल्दियात नासर हुसैन शाह होंगे। कमेटी मशावरत के बाद एक माह में सिफारिशात देगी। पार्लियामेंट से सदर का खिताब, अपोजिशन का हंगामा और वॉकआउट। सदर आरिफ अलवी ने कहा, फौज, अदलिया, हुकूमत और मीडिया एक बेंच पर। सऊदी अरब और पाकिस्तान की सोच एक है। जितने भी वहाँ घराने हैं, आपने फैसला किया कि उन सबको आप हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस आप दे रहे हैं 10 लाख की। दुखी इंसानियत की जब आप खिदमत करेंगे, जब वो दुआएं आपको देंगे, तो आपको तब अंदाजा होगा कि किस तरह अल्लाह की रहमतें और बरकतें आपके सूबे के ऊपर आएंगी। खैबर पख्तूनख्वा में एक खानदान को सेहत कार्ड देने का ऐलान। सालाना 10 लाख रुपए तक हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। वजीर आजम ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पंजाब हुकूमत पर जोर दूंगा, वो भी ऐसा प्रोग्राम लाए। हम फलाही रियासत की मंजिल की तरफ गामजन है। शुरू में मदीना की रियासत को बड़ी मुश्किल थी, फिर उसी रियासत के अफराद ने दुनिया पर हुक्मरानी की। मौलाना फजल रहमान की नाराजगी बर्दाश्त नहीं, इख्तलाफात फौरी दूर करें। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को हदायत जारी कर दी। टेलीफोनिक गुफ्तगु में नवाज शरीफ का कहना था, फजल रहमान को साथ लेकर चलना है। वालिद की हदायत पर मरियम नवाज जल्द मौलाना से मुलाकात करेंगी। नवाज शरीफ साहब, दो छोड़ के 4 फोन कर लें, इन तिलों में तेल नहीं है। इमरान खान इंशाल्लाह 5 साल पूरे करेगा। ये सारे लोग वो हैं जो नैब ज़दा हैं। इमरान खान कोई भी फैसला कर सकता है, लेकिन इनको NRO नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ 2 नहीं 4 फोन कर लें, इमरान खान मुद्दत पूरी करेंगे। शेख रशीद ने कहा, अपोजिशन की ख्वाहिश दिल में ही रहेगी, NRO किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। PP और नून लीग के बहुत से लोग नाहल होंगे, हुकूमत में अगर होंगे 1 या 2 होंगे। कराची सर्कुलर रेलवे ट्रैक 4 माह में बिछाने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी चीन के दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। सेक्रेटरी हाजा सेल महमूद और आला हुकाम भी हमरा। वीडियो पैगाम में शाह महमूद कुरैशी का कहना था, चीनी क़यादत से मुलाकातें दोनों ममालिक के लिए मुफीद साबित होंगी। कराची वाले फिर तैयार रहे, मानसून का नया सिलसिला शहर की जानी बढ़ने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से कराची में तेज बारिश हो सकती है। हैदराबाद समेत सिंध के दीगर इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। पाकिस्तान के पास टेस्ट सीरीज बचाने का आखिरी चांस। पाक इंग्लैंड सीरीज तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच आज से साउथहैम्पटन में शुरू होगा। तीसरे मैच में बारिश अपना खेल जमाने को तैयार। अजहर अली और जो रूट को अपनी अपनी टीम की जीत का यकीन। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा।
क्या आप जानते हैं गुजरांवाला की पहचान क्या है? गुज़िश्ता सदी की दास्तान सुनाता गेटागर, अखाड़ों में बबरियां डालते हुए पहलवान, मजेदार और लजीज खाके, सनत का ना रुकने वाला पहिया, नामवर अदबी शख्सियात और राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज जो यहाँ के शहरियों की 80% ग्रॉसरी की जरूरियात पूरी कर रहा है। यही नहीं बल्कि बेकरी की दुनिया में भी यह नाम लज्जत और मयार की पहचान है जो इंतहाई कम कीमत पर बेकरी की मसनुआत शहरियों को फ्राहम कर रहा है और शहरियों की जानिब से भी भरपूर एतमाद का इजहार किया जाता है, क्योंकि राना उमर बेकर्स की खसूसियत है कि मयार पर कोई समझौता नहीं। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज। गुजरांवाला रीजन का